नमस्कार, मैं संजय कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पीडी न्यूज। अभी जुआ की दास्ता। कटिहार के इस्लामपुर स्थित मजार में उर्स का हुआ आयोजन, बड़ी संख्या में लोगों ने की चादर पोसी। हर साल की भांति इस साल भी इस्लामपुर स्थित गुलाम मुफ्ती रसूल के मजार पर उर्स का आयोजन किया गया। इस मौके पर मजार में चादर पोशी का कार्यक्रम किया गया, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने चादर पोशी की। उर्स को लेकर इस्लामपुर स्थित मजार में मेले का जैसा माहौल था। बड़ी संख्या में लोग उर्स के मौके पर मजार पहुंचे, जहां लोगों ने अकीदत के साथ चादर पोशी की। फिलहाल पूरी जानकारी के लिए खबरों के अंत तक बने रहें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद। सालाना परमा उर्स आज हम लोग चौधरी मल्ला से जुलूस लेके आए और उजूर का अस्थाना में ला करके चादर पोशी किए। उसके बाद शहर के हम लोग चैन के लिए दुआ मांगे और अब बस 9 बजे के बाद यहाँ एक जलसा का प्रोग्राम है और जिसमें बिहार, यूपी, बंगाल, झारखंड के उलमाए किराम व वक्तागण व कविगण भी आ रहे हैं और खास करके यहाँ पे है कि मेला कल लगा हुआ है बाहर, इसके सबके लिए छोटे छोटे बच्चे के लिए मेला लगा हुआ है और शहरवासी से हम निवेदन करेंगे ज़्यादा तादाद में आए, उसके बाद बाबा के मजार पे हाजिरी दें, उसके बाद अपना जो भी मन्नत होता है यहाँ पर और हर बार पूरा भी होता है इंशाल्लाह इस बार भी पूरा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इश्तियाक आलम। उनके अकीदतमंद उलमाए किराम का नूरानी काफिला और हमारे नेतागण और हमारे उनके चाहने वाले, उनके मुरीदीन, उनके खुलफा, उनके शागिर्द, उनके अकीदतमंद दूर दराज से चलकर इस उर्स में शिरकत किए हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं बाबा के दरबार में। चादर पोशी होगी, फिर इसके बाद रात में जलसे का एक बहुत बड़ा शानदार एहतमाम भी है जिसमें बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड के उलमाए कराम और शोरा इस्लाम तशरीफ ला रहे हैं। लिहाजा हम तमाम लोगों से कहना चाहते हैं कि आज के इस प्रोग्राम में हमारे जितनी माँ बहनें हैं और दोस्त अहबाब हैं, हमारे चाहे वो मुसलमान भाई हों या हिंदू भाई हों, ये दावत आम है सबके सब इस जलसे में शरीक हों और जलसे के अख्ताम के बाद जो है मुल्क की अमन व सलामती के लिए भी दुआएं होंगी। और ये इदारा जामिया रूहुल उलूम है, हम तमाम लोगों से कहना चाहते हैं ये मुफ्ती आजम कटिहार का ये यादगार है, इसको ज़िंदा और बरकरार रखा जाए। तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि हर साल आप मोहब्बत के साथ इसमें शरीक होते हैं, इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है आप लोग कसीर तादाद में जलसे में शरीक होंगे और इसे कामयाब बनाएंगे। रामपुर में ये मदरसा है और इनका जो मजार है पूरे बिहार और बंगाल के, ये जो अकीदत लोग जो अपनी मन्नत मानते हैं उनका पूरा होता है। तो हर साल आज के ही दिन जो यहाँ उर्स के उत्सव पे मुबारक दिन में आते हैं लोग, जो उसमें चादर वगैरह चढ़ाते हैं, लिहाज करवाते हैं और यहाँ की जो गदी नसी है ये लोग सब लोग मिल करके इसको एक बड़ा फेस्टिवल के रूप में मनाते हैं और इस इलाके के लोग भी इसमें सहयोग में रहते हैं। तमाम अच्छे जो मौलवी हैं, मुकर्रर हैं, यहाँ आज मौजूद हैं। कई लोग तो दरख्वास्त करेंगे कि हमको भी वक्त दिया जाए, लेकिन मुकर्रर बहुत होते हैं, बोलने वाले बहुत होते हैं, लेकिन वक्त की पाबंदी के साथ बोलने का सब भी मिलता है, इसलिए उनको भी थोड़ा नहीं मानना चाहिए। ये कहना चाहते हैं कि इस तरह से जो मजार है, मजार पे आप जब आएंगे तो आपको जो है सद्भाव का माहौल मिलेगा और सद्भाव का माहौल मिलेगा कि हमको सब लोग मिल करके इसमें आते हैं, उसको मनाते हैं, लोग अपना मन्नत भी मांगते हैं। मैं तमाम लोगों को अपनी ओर से मुबारकबाद देते हैं कि इसी तरह से जोश में और अपने दिल से आज आप लोग यहाँ आए हैं, यहाँ अपनी मन्नत मांगेंगे, अपने लिए जो अच्छा चाहेंगे। मैं अपनी ओर से भी आपके माध्यम से ये मांगता हूँ कि कटिहार मेरा जो है मन चैन रहे,
पूरा बिहार अमंत्रण रहे, पूरा देश रहे। हम लोग सभी हिंदू मुसलमान मिल्लत के साथ रहते आए और मिल्लत के साथ रहते रहे, यही मिला।